बंगाल के बीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हुआ है हमला। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बीजेपी उम्मीदवारों को डंडों से पीटा गया और उनकी गाड़ी पर भी पथराव किए जाने की खबर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी पर देखिए किस तरीके से डंडे से हमला किया गया, कार के शीशे तोड़ डाले गए। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर यह जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। बोलपुर में हुआ यह हमला। आपको बता दें, बोलपुर में हमले को अंजाम देने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। तो बीजेपी के उम्मीदवार पर यह आरोप, बीजेपी उम्मीदवार पर यह हमला हुआ। और इस सबके बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी ने बाकायदा इसकी शिकायत भी की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी। अनिर्बान गांगुली पर हुआ है हमला। आशिका हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, और क्या जानकारी मिल पा रही है और ये भी जानकारी पता चल पा रही है कि शिकायत भी की है बीजेपी ने? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है, चुनाव आयोग के पास भी शिकायत की गई है। और मैं आपको बता दूं, बोलपुर के ये प्रत्याशी हैं अनिर्बान गांगुली, इंटेलेक्चुअल नेता माने जाते हैं, गृहमंत्री अमित शाह पर किताब भी लिख चुके हैं और बोलपुर से लड़ रहे थे। आरोप ये है, न सिर्फ उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए बल्कि डंडे और लाठियों से भी हमला किया गया। हालांकि अनिर्बान गांगुली को चोट तो नहीं लगी है, लेकिन आरोप यह है कि उनको रोकने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए टीएमसी ने ये इस घटना को अंजाम दिया। ये आरोप बीजेपी की तरफ से, हालांकि टीएमसी सिरे से इन आरोपों को खारिज कर रही है। आशिका, सिर्फ अनिर्बान गांगुली पर ही हमला हुआ? हम तस्वीरों में देख रहे हैं कई और गाड़ियां भी दिख रही है, कुछ बच्चे भी हैं पीछे जो भागते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो डंडे लेकर हमला करते हुए दिख रहे हैं। स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे, वो वहां बच्चे भी मौजूद थे, उनको आप जैसा कि तस्वीरों में आपने बताया दौड़ते हुए देखा आपने। और आरोप ये लग रहा है कि टीएमसी के समर्थक थे जो हाथों में डंडा लेकर के गाड़ी पर हमला कर रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे। हालांकि अनिर्बान गांगुली को चोट नहीं लगी जैसा कि हमने पहले भी बताया, लेकिन बीजेपी ने इस घटना की शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। शुक्रिया आशिका। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली देखिए किस तरीके से डंडा लेकर कुछ लोग, हालांकि कुछ बच्चे भी, लेकिन उसके आगे जो लोग भाग रहे हैं डंडा लेकर, उन्हें बीजेपी कह रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से यह हमला किया गया है। बीजेपी ने इसकी शिकायत भी की है। बंगाल में आठवें चरण के मतदान के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई। कोलकाता की जोरासाको विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार मीना देवी पुरोही ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी के सामने बम फेंका गया। बीजेपी उम्मीदवार मीना देवी ने टीएमसी पर बम फेंकने का आरोप लगाया है। तो लगातार हिंसा की खबरें, इस सबके बीच बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से टीएमसी पर बम फेंकने का आरोप लगाया गया। सेंट्रल एवेन्यू में यहाँ बमबाजी हुई है। महाजाति सदन जो कि एक जो कह सकते हैं कोलकाता का एक जानी मानी जगह है, यहाँ पर ठीक एग्जिट गेट के सामने यहाँ से करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर टीएमसी के जो उम्मीदवार जिनसे हमने अभी बात की उनका ऑफिस भी है। पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद किया गया है, पुलिस के आला अधिकारी आ गए हैं और जो इलाके में सीसीटीवी उनकी जांच शुरू की है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किसने ये बम बरसाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, कोलकाता। मेरी गाड़ी यहाँ से जा रही थी और बम गिराया गया, मैं बच गई, मेरी गाड़ी कहाँ पर, ये क्या बम की का छरा निकले थे, जगह जगह निकले और मेरे को डराने की चेष्टा करी गई, पब्लिक को चेष्टा करी गई, डराने की चेष्टा की गई है, लेकिन ना तो पब्लिक डर रही है, पब्लिक वोट देने जा रही है, ना मैं डरने वाली हूँ, मैं हर बूथ पे जाने वाली हूँ। इसलिए ये हार रहे हैं, ये हार का डर दिखा रहे हैं कि पब्लिक ना निकले और ना मैं निकलूँ, इसके लिए ये चेष्टा चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की मयूरेश्वर विधानसभा सीट से भी हिंसा की खबरें सामने आई। यहां पोलिंग बूथ के पास एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले किए जाने का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया। तो ये एक और तस्वीर बीरभूम से सामने आई जहां पर हमला हुआ है बीजेपी कार्यकर्ता पर, मयूरेश्वर विधानसभा सीट का मामला। और अब बात कोरोना
की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई है फटकार। हाईकोर्ट ने यह फटकार अस्पताल में लग रही आग की घटनाओं को लेकर लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अस्पतालों में फायर ऑडिट फौरन करें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि मरीजों की जान सबसे कीमती और सिस्टम लगातार फेल हो रहा है। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार ये पूछते हुए कि आखिर बिना एनओसी के, बिना फायर एनओसी के अस्पताल कैसे चल रहे हैं और अस्पताल में ऑडिट के भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली को कम ऑक्सीजन दी जा रही है, जबकि दिल्ली के लिए 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि दिल्ली में 16,272 नॉन आईसीयू बेड हैं और ऐसे में हर बेड के हिसाब से 305 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसके अलावा 100 आईसीयू बेड के लिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, 15,000 नए ऑक्सीजन बेड भी तैयार हो रहे हैं, जिनके लिए 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार सिर्फ 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि 10 मई तक 6,066 आईसीयू बेड तैयार हो जाएंगे, जिनके लिए भी 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केंद्र दूसरे राज्यों को ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है। दिल्ली में पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को किया है गिरफ्तार, जिनके पास से 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से ऑक्सीजन को बनाता है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यह बड़ा गिरोह बताया जा रहा है, जिसके पास से ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी, 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो जो हवा से ऑक्सीजन बनाता है और इसी के साथ गिरफ्तारी हुई है 4 लोगों की। दिल्ली पुलिस लगातार इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर रही है और इस सबके बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी के साथ 4 लोग गिरफ्तार। उधर कोरोना की वजह से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि धाम के कपाट खुलेंगे, पूजा होगी, लेकिन कोरोना की वजह से बने हालात में यात्रा का आयोजन संभव नहीं है। चार धाम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहां पूजा पाठी करेंगे, बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह सकता स्थगित इसको हम कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में जहां कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कैरियर बनाकर कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। कोरोना काल के ये सुपर हीरो बिना किसी लालच के लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी ने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया है, कोई जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा रहा है, तो कोई लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है। समाज को आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जिनके जज्बे और हिम्मत से कोरोना को जरूर मात मिलेगी। शारदा जी, उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल के भरोसे कितने दिन चलेंगे? हम यही चाहते हैं सेकेंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था, उनके घर में एक बेटी थी, तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी MBS तक पहुँचाई। हमारी उम्मीद सामाजिक संस्था ने जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज है करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांवा को देने का उनको वादा किया। कोरोना के संकट काल में भी इंसानियत की लौ मध्यम नहीं हो पाई है। इंसानियत धर्म बन गया है और लोग इसके नाम पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जहां कुछ लोग अपनों को कंधा देने तक को तैयार नहीं, वहीं कोरोना काल के देवदूत शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। किसी ने अपनी कार को एम्बुलेंस बना दिया, किसी ने अपने स्तर पर ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया, किसी ने श्वास बैंक बनाकर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा उठा लिया, कोई घर घर जाकर खाना पहुंचा रहा है, कोई पुलिस वालों को मास्क और फेस गार्ड बांट रहा है।
कोई एक एक सांस के लिए तरसते मरीजों को प्राण वायु बांट रहा है। आज हम आपको कोरोना के उन सुपर हीरोज से मिलवाएंगे जो इस आफत काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर जिले में कोरोना के 1924 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त कुछ मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने लोगों की इस पीड़ा को समझा और अपनी लाखों की कीमत की दो कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है और जहां से भी उन्हें कॉल आता है और कोरोना संक्रमित को अस्पताल पहुंचाने या शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है तो वो और उनके दोस्त अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं और अंतिम संस्कार तक करवा रहे हैं। अंतिम संस्कार हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। जिस परिवार में जैसे कोई होता है, जैसे कोई किरायेदार होता है, जैसे हमारे पड़ोसी यहाँ पे नजदीक में सुतार फैमिली थी, तो किरायेदार थे, उनके यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था। उनके घर में एक बेटी थी तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी एमडीएस तक पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार कर दिया। यहाँ आने वाले मरीजों को 24 घंटे के लिए चाय, खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू कर दी। हम यही चाहते हैं सेकेंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयोग, जेडी आयोग, सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। कोशिश हम यही करेंगे उनको दवाई, डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बाकी यहाँ बेड पूरे, खाने की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल से लेकर घरों में मौजूद गंभीर मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना से जूझते लोगों से सांसों के सौदागर ऑक्सीजन के लिए मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। काला बाजारियों ने इस आफत को अवसर मान लिया है। सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और काला बाजारी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन फिर भी समाज का साथ जरूरी है। लिहाजा मुंबई में सिख समुदाय के लोगों ने मुहिम शुरू की और लोगों तक ऑक्सीजन बांटने का बीड़ा उठाया। इस समूह ने एक कॉल सेंटर बनाया जिस पर फोन आते ही एक टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रवाना हो जाती है। यही नहीं, लोग चाहें तो इनके पास आकर भी छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं। मैं शुरुआत तो 10 सिलेंडर से की थी, मैं देखा कि अगले दिन बहुत सारा डिमांड आ रहा है, कौन कॉल्स आ रहे हैं, तो हमने एक मैसेज वायरल किया कि यहाँ पे आपको 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो वो वायरल ऐसा हुआ कि हमें स्कैर्सिटी चालू किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड लेके तो अब हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 60-70 सिलेंडर्स हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस स्टॉक है जो हम पब्लिक की सेवा में लगाए हुए हैं। मुझे मेरे सिस्टर के लिए चाहिए था सिलेंडर, बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनका नंबर दिया सिख कम्युनिटी का। तब मैंने उन्हें जैसे ही कॉल किया, उन्होंने बोला कि बस आप आ जाइए रिपोर्ट वगैरह लेके, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग आधे भारत में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं मानेसर की एक निजी कंपनी ने ऑक्सीजन किल्लत को दूर करने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने और रिफिलिंग का काम शुरू किया है। इस कंपनी के प्लांट से 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जिला प्रशासन के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंच रहे कोरोना मरीजों के परिजनों को दी जा रही है। स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी मरीजों के कागजात देखने के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर देती है या फिर रिफिलिंग करती है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज है करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गावा को देने का उनको वादा किया और डीसी साहब को हमने बोल दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि सभी को व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए।
ये हैं जम्मू के रहने वाले सोमनाथ डबगोत्रा। ये डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो फिलहाल सोमनाथ ने महामारी से लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठा रखा है। सोमनाथ डबगोत्रा हर समय अपनी एम्बुलेंस लेकर तैयार रहते हैं। जैसे ही किसी जरूरतमंद की कॉल आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकल पड़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ही सोमनाथ के पास जम्मू के नानक नगर इलाके से कॉल आई कि एक मजदूर बीमार है और उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। इसके बाद सोमनाथ डबगोत्रा अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े और एक घर के बाहर पहुंचे। मरीज को अपने एम्बुलेंस में लिटाया और उसे तुरंत ऑक्सीजन दे दी। देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं। एक एनजीओ है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सही में कोरोना वॉरियर हैं, जो गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर लोगों की मदद के लिए घर से निकलते हैं। कोई भी कॉल इनको आती है, उस कॉल के ऊपर ये तुरंत पहुंचते हैं। अभी एक पेशेंट जो यहाँ ये नानक नगर इलाके में ये व्यक्ति काम करता था एक घर में, और इसमें थोड़े सिम्टम पाए गए थे कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, तो उन्होंने कॉल की है। अब इस गाड़ी में डबगोत्रा जो चैरिटेबल के ट्रस्ट के जो यहाँ पर खुद ये इंचार्ज हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके साथ पहुँचे हैं। 2 बजे 3 बजे जब भी किसी को जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की पड़े, एम्बुलेंस की पड़े, या और कहीं हम उनके काम आ जाए, हम पूरी जरूरत उनकी पूरी करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों, उनके तीमारदारों और गरीबों के लिए इस वक्त खाने का इंतजाम भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। लिहाजा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोग मास्क और फेस शील्ड पहनकर खाना तैयार करते हैं, खाने को अच्छी तरह पैक करते हैं, फिर उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली में लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता चल रहा है, ऐसे में जरूरतमंदों के लिए जगह जगह से हाथ आ रहे हैं, मदद मिल रही है। इस वक्त हम शाहदरा में मौजूद हैं, जहां पर चल रही है दिल्ली बीजेपी की युवा मोर्चा की रसोई, जहां फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिन का खाना पैक हो रहा है। वासु मुखर्जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है। सर, क्या आप लोगों की मुहिम है, कैसे आप ये खाना वगैरह लोगों तक पहुंचा रहे हैं? दिल्ली युवा मोर्चा का एकमात्र लक्ष्य है जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और उनके परिवार जो होम आइसोलेटेड है, हमारे इस रसोई के माध्यम से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली युवा मोर्चा ने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने सहायक मतलब अपने साथियों से मदद लेकर ऐसे सिलेंडर्स जो कोरोना पीड़ित परिवारों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हम 1 रुपया नहीं लेते, बस उनका एक आधार कार्ड लेते हैं, ताकि ये सिलेंडर पुनः जब वापस करें तो रिफिल होके हम दोबारा किसी और की सहायता कर सकें। बीजेपी युवा मोर्चा की ही तरह ये युवतियां भी लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रही हैं। आईटीओ के पास मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये युवतियां गरीबों को नाश्ता मुहैया करा रही हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता है, ऐसे में कई लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, काम बंद पड़ा है, तो यहाँ देखिए यंगस्टर्स की टीम है जो लोगों की मदद करने के लिए आई हुई है आईटीओ के पास। ये स्लम एरिया है जहाँ पर हम फिलहाल आए हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और नेहा भी यहाँ पर हमारे साथ है। नेहा, किस लिए दिमाग में आया और क्या आप लोग अभी मदद कर रहे हैं? जी, अभी तो हम ब्रेकफास्ट रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रेड है, हमारे पास दूध की थैली है, रस्क है, और उसके साथ शीरमाल है, बंद होता है ये, तो हम यहाँ पर बहुत दिनों से आ रहे हैं, वैसे काफी दिन हो गए, ये लीजिए आप लेते रहिए, काफी दिन हो गए हमें यहाँ पर आते हुए। पहले राशन की किट हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी यहाँ पे, फिर उसके बाद सब्जियों की किट डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो एक ब्रेकफास्ट टाइप का है जो बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, ये उन लोगों के लिए है। कोरोना महामारी के बीच लोग परेशान हैं, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, उनकी मदद के लिए अहमदाबाद का पनाह फाउंडेशन और अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन आगे आया है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में मरीजों को मदद मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिक्शा उपलब्ध होगी। रिक्शा एसोसिएशन ने लोगों के लिए 7600660760 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग ऑटो रिक्शा को घर भी बुला सकते हैं। हमारी रिक्शा यूनियन, अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन और पनाह फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन कल से चालू किया है, जिसमें 10 ऑटो कामगिरी करेगी। खास करके कोरोना पेशेंट है, उनको
घर से कोई सामान लाना है, कोई रिपोर्ट कराना है, हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए ये सुविधा मिलेगी। ये गुजरात के बारडोली के रहने वाले संदीप पटेल हैं। इन्होंने देखा कि 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस मंगाने में इतनी देर हो जाती है कि मरीज दम तोड़ देते हैं। लिहाजा इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी ही कार को एम्बुलेंस की शक्ल दे दी। एम्बुलेंस के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई, एक नंबर को हेल्पलाइन नंबर के तौर पर सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया। बड़े अक्षरों से कार पर वो नंबर भी लिखा गया जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिले, और आज इनकी वजह से कई मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। हमने भी सोचा कि चलो हम भी कुछ मदद करें, और ये आज रविवार से प्रारंभ हो चुका है उसका, और कितने को भी पेशेंट को पहुंचा दिया है। और अभी हम आज सब वाहिनी बनाने जा रहे हैं, जो वो है हमारे फ्रेंड ग्रुप से, जो यूएसए वाले और हमारे इंडिया के जो फ्रेंड है, वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे के हम अभी वो एम्बुलेंस सब वाहिनी हम कल से उसको स्टार्ट करने वाले हैं, आज वो बन रही है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत कोरोना से जंग जीतने की हुंकार भर रहा है। यही वो लोग हैं जिनकी हिम्मत से लोगों को प्राण वायु मिल रही है। यही वो लोग हैं जो देवदूत बनकर इस संकट काल में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल भारत को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके दम पर कोरोना से जंग आसान हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक। इस बैठक में कोरोना की वजह से बने हालात और दवा समेत दूसरी चीजों पर होगी बातचीत। तो कल यह बैठक बुलाई गई है कोरोना पर चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है मंत्रियों के साथ। कल प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मौजूदा हालात हैं देश में उसको लेकर चर्चा होगी, दवाओं समेत जो दूसरी चीजें हैं उनको लेकर बातचीत होगी मंत्रियों के साथ। और ये कल बुलाई गई है बैठक, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की मंत्रियों के साथ कल होगी बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ यतेंद्र जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि उनके जितने भी कैबिनेट और एमओएस मिनिस्टर हैं सबकी बैठक बुलाई है। वर्चुअली ये मीटिंग होगी क्योंकि कोरोना का खतरा है, तो ऐसे में सभी मंत्री अपने ऑफिस से अपने घरों से वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे और पूरे देश भर में लोकसभा क्षेत्र में और नीचे ग्राउंड लेवल तक की जानकारी वो अपने मंत्रियों से लेंगे कि किस एरिए में किस तरह के अभी सिचुएशन है, और उसके लिए मंत्री अपने अपने इलाकों में अपने अपने मंत्रालयों के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या गाइडलाइन जो है उसका किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, राज्य सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। तो पूरी मंत्री परिषद के सहयोगियों से इस बारे में चर्चा की जाएगी और आगे क्या रोड मैप हो सकता है, किस तरह से मेडिसिन और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो उसकी कमी है, उसकी उस सप्लाई चेन को किस तरह से निरंतर और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये वो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करेंगे। सुबह 11 बजे बैठक शुक्रिया। कल 11 बजे बैठक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सभी मंत्रियों की बुलाई गई है और कोरोना और तमाम जो दवाई और दूसरी चीजें उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे, रणनीति बनेगी कैसे इन हालातों से निपटा जाए। इस बीच आपको बता दें कोरोना महामारी को लेकर मचे हाहाकार के बीच इस वक्त पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी है। कोरोना से जंग लड़ने के इस सबसे कारगर हथियार को हर कोई अपने पास रखना चाहता है, यानी हर कोई वैक्सीन लगाने के लिए उतावला है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले नौजवानों को भी वैक्सीन लगवाने के सरकार के आदेश के बाद 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ था। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले संदीप गुप्ता ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अब उनकी परेशानी यह है कि उन्हें 1 मई या उसके बाद के किसी भी स्लॉट के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। संदीप गुप्ता का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से हर जगह आने जाने में पाबंदी है और ऊपर से रजिस्ट्रेशन के बाद अब कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा है कि आखिर उन्हें वैक्सीन कब मिलेगी और कब तक वो इसके लिए धक्के यूं ही खाते रहेंगे। 1 मई से 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों को भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन लोग अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा पा रहे हैं कोविन ऐप पर, लेकिन शिकायत ये मिल रही है कि उन्हें टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा। इसी चीज़ को जानने के लिए हम पहुँचे हैं दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में और जानते हैं कि क्या लोगों को इस किस तरह की दिक्कत आ रही है। वैसे क्या आपने कोशिश की, अपना रजिस्ट्रेशन किया, टाइम स्लॉट मिल रहा? मैंने 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कल से भी ट्राई किया, सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे उठा तब भी ट्राई किया, कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। 1 मई के रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, तो क्या होता है उसमें जब आप टाइम स्लॉट के वो दिखाते हैं? नो वैक्सीनेशन सेंटर फाउंड। किस तरीके से, अगर आप दिखाएं कि कहां पे दिखाएं, फोन पे एक बार दिखाता हूं करके एक बार। हाँ,
ये तो इस तरह आता है, मैंने 1-5 का स्लॉट ले रहा हूँ, मेरी एज 45 से ऊपर है तब भी दिखा रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर फाउंड, चाहे मेरी एज 45 से ऊपर हो या 45 से नीचे हो। और जो घर में 45 से नीचे वाले मेंबर्स हैं उनके लिए अगर आप टाइम स्लॉट मांग रहे हैं, टाइम स्लॉट वो दे नहीं रहा, 1-5 का मई का स्लॉट कोई भी नहीं दे रहा, वो स्लॉट अपेल का मिल रहा है हमें, हम स्लॉट लेते हैं 1-5 का, 2-5 का, 3-5 का, चाहे वो 45 से ऊपर हो या नीचे हो, टाइम स्लॉट कोई दे नहीं रहा है। अच्छा, और बाकी आप लोगों ने किसी और से भी यार दोस्तों से परिवार में बात चल रही है क्या, किसी को नहीं मिल रहा है या ये किसी को नहीं मिला है? मैंने देखा पूरी दिल्ली में कहीं स्लॉट मिल रहा हो, कहीं भी हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है, कि हम दिल्ली में, मैं देखा न्यू दिल्ली 14 में अगर मिलता है तो उसके कहीं और मिल रहा हो, तो आई सर्च वेरियस सेंटर्स, कहीं भी स्लॉट नहीं मिल रहा है हमें। तो कुछ पता करने की कोशिश की कि आखिर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, सरकार ये कह रही है कि ये राज्य सरकारों को करना था, राज्य सरकारें नई टाइम स्लॉट अभी दे रही है, आप लोग तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए लेकिन इसके कारण दिक्कत में नहीं लगा पा रहे हैं। अब हम 1 तारीख को जाएंगे वहाँ सेंटर पे, देखते हैं अगर वहाँ पे वो लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार जो 18 प्लस होगा उसका वॉक इन इंजेक्शन टीकाकरण नहीं होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा और उसमें टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं उसमें क्या होता है, अब तो कुछ कह ही सकते हैं, सरकार जो करेगी वो तो मानना ही पड़ेगा जी। तो इस तरीके की दिक्कत लोगों को आ रही है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया है लेकिन टाइम स्लॉट, क्योंकि हर एक को जो भी वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक टीकाकरण केंद्र मिलता है जिसे आपको चुनाव करना पड़ता है और उसके अलावा टाइम स्लॉट भी मिलता है, उसी टाइम पर आपको वहां जाना पड़ता है। तो ये दिक्कत अभी लोगों को आ रही है जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिल करके इसे दूर करना पड़ेगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, News 18 India, दिल्ली। देश भर के अस्पतालों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है और इस महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस वक्त इस बीमारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए इस इंजेक्शन की मांग बेतहाशा है। आलम यह कि इंजेक्शन की बढ़ती मांग ने इसकी कालाबाजारी को भी बढ़ावा दे दिया है, लोग अपने मरीजों की खातिर कई गुना दाम देकर भी इस इंजेक्शन को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर एक आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि जो इंजेक्शन वो दोगुनी और चौगुनी कीमत पर हासिल कर रहे हैं वो असली है या फिर नकली। हमारे संवाददाता दीपक रावत ने इस सिलसिले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर गिरीश त्यागी से बातचीत की और इस सबसे जरूरी इंजेक्शन की असली और नकली की पहचान का मंत्र पूछा, जिसे आप सभी को देखना समझना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी धोखे में पड़कर अपनों की जान को आप जोखिम में ना डालें। अगर आपको रेमडेसिविर की जरूरत है और आप उसे लेने मार्केट में निकले हैं तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि क्या असली है और क्या नकली है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं। सर, एक तस्वीर आप हमें दिखा रहे थे वो जो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही है, क्या इस तस्वीर में जो अंतर दिख रहा है वो कैसे समझा जाए, वो थोड़ा आप समझाने की कोशिश कीजिए। जी, पहले तो जो कोई भी जो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है उस पर ये साइन होता है जी, जिसे आता है टेक टू टेक, यानी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले लिखता है ये असली वाला है और ये नकली वाला है। अच्छा, इसमें वो मिसिंग है पहली चीज तो, ओके, वही मिस है यहाँ पर जी। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ये 100 मिलीग्राम पर वायल है, यहाँ पे भी कैपिटल लिखा है, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल कर दिया इसको, मतलब गलती करी है इसको, ओके। उसके बाद ये COVID-4 है, इसका जो आप कलर देखेंगे और उसका जो कलर और कोड में देखेंगे काफी फर्क है इसमें, कलर में भी, फिर इसका जो डिफरेंस इन द बिटवीन द टू वर्ड्स ये भी काफी फर्क है, ओके। उसके बाद ये यहाँ पर जो इसमें काफी फर्क है प्रिस्क्रिप्शन में काफी। देश भर में इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है और ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा के एक कारोबारी ने जरूरत के वक्त अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करके मानवता की सेवा में उतरने की अनूठी मिसाल पेश की है। कोटा की इस फैक्ट्री में कई गैसों का उत्पादन होता था लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान देश भर में जब हाहाकार मचा तो कोटा के इस नौजवान कारोबारी ने फैक्ट्री को दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ बुलवाकर इसे ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा दिया और करीब 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया ताकि ऑक्सीजन का प्रबंधन जरूरत के मुताबिक हो सके। हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसे को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली, जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है, लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने कहीं सुना है कि कोई किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख जमा किए थे, उसने 2 लाख रुपये दे के
ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की कोशिश और उसने अपना ये किया, दान किया उसने। देश में कोरोना से पैदा हुए आपातकाल जैसे हालात से निपटने के लिए विदेशों की बड़ी मदद भारत को मिल रही है। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरणों की एक बड़ी खेप भेज दी है। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री हवाई जहाज से ये उपकरण दिल्ली पहुंचेंगे। इन उपकरणों में 440 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 9,60,000 टेस्ट किट और 1,00,000 N95 मास्क भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय देश भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, जबकि बेल्जियम और पुर्तगाल रेमडेसिविर की डोज भेज रहे हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूस से मेडिकल जरूरतों की पहली खेप आज भारत पहुंची। रूस ने भारत को भेजी पहली खेप में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर और दवाइयां शामिल हैं। रूस से 2 उड़ाने ये सारी मदद लेकर तड़के सुबह दिल्ली पहुंची। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच कल ही फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें रूस ने कोरोना के खिलाफ मदद का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की भेजी गई मदद भी भारत पहुंच गई है। ब्रिटेन ने 120 कंसंट्रेटर के अलावा दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी भेजे हैं।